बतानी है। तो लाइन की इक्वेशन क्या, तो क्या, क्या, तो तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल एक्स। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ऐसे सिंप्लीफाई करने पे न इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स क्या जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस ए इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो अब अगर ये क्या है दोनों क्या बोलते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो मीन्स डी माइनस सॉरी डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो करते क्या हो जाएगा फोर माइनस ए का होल स्क्वायर फोर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो आएगा माइनस

A 8A 0. तो से की हमारे पास में दो वैल्यू आ जाएंगी ए इज ओनली वैन ए इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू एट ठीक है तो इन्हीं केस में क्या होगा कि हमारी क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी या इससे कम में डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी बट हमें क्या, है? कि A क्या एक रियल पॉजिटिव तो जीरो नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम हमें क्या ए तो की वैल्यू मिल गई अब हमें वैल्यू किसकी डिटरमाइन करनी है हमें वैल्यू डिटरमाइन करनी है लेटेस्ट सिलेक्टम की लेटेस्टम तो क्या होता है फोर टाइम्स ऑफ ए होता है लेटेस्ट सिलेक्टम इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ ए होता है तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी इट इज इक्वल टू 4 into 8 is equal to 32 so answer for this question is 32 so correct answer is 32 option d is the correct one